तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं चौराजी खंबा और यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी चल रही है। आप देख सकते हैं पेड़ काफ़ी तेज़ हल रहे हैं और ये जो है इसका मेन गेट है, आंखों में आ रही धूल। हमारे वहाँ कल बारिश हुई थी बट यहाँ पे बारिश वारिश भी नहीं हुई है, सूख की धूल उड़ रही है ऐसे ही। तो आंधी धूल जो है थोड़ी कम हो गई है। तो ये है एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री लेते हैं और ये है मेन गेट, यहाँ से प्रवेश करेंगे अंदर। तो यहाँ से भी कुछ खम्भे दिख रहे हैं शायद उधर साइड में और इधर, जैसे यहाँ पे ये लोहे की एंगल वगैरह लगी हुई हैं, इसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो भी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मैं गिनूंगा तो नहीं यहाँ पे चौराहे खम्भे जो हैं, लेकिन काफ़ी लोग जो भी हमें मिले हैं यहाँ पे सबने यही बताया कि यहाँ पे चौराहे खम्भे नहीं, या तो 83 होते हैं या फिर 85 या फिर 85 से ऊपर। तो अभी हम चलते हैं अंदर, यहाँ पे कुछ लोग आए हैं देखने, शायद गिनने आए हैं पता नहीं। और ये है ये जगह बहुत ठंड से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले 35 मिनट से मैं लगातार काउंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी प्रकार की, मतलब ये रहस्य है। मैंने कई बार काउंट किया, आप देख रहे हैं इधर बच्चे भी काउंट करने लग रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और आप वीडियो में लगातार देख सकते हैं, आप खुद काउंट करने की कोशिश करें। तो ये है 84 खंभे। वेदांत जी ट्राईपॉड से शूट कर रहे हैं वीडियो, थोड़ा घूम के दिखा देता हूँ चारों साइड से। ये देखिए खम्भों पे कढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रखी है। और सीन जो है इधर से ये है, तो और इधर यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ये चढ़ेंगे ऊपर, वेदांत जी ऊपर आके बैठ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हमें लास्ट एक या दो दिन में आपका 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से। बिल्कुल। और इधर यहाँ पे इधर जाने को सीढ़ियाँ नहीं है, दूसरी साइड से हैं। चौरासी की डिजाइन है। ये छोटा बच्चा है जो हमें बता रहा है कि ये डिजाइन है, अलग हर खंबे पर अलग तरीके की डिजाइन है शायद, लेकिन लगता नहीं है। तो ये हैं 84 खंभे, चारों साइड में छोटे और बड़े खंभे हैं काफ़ी, और बीच में एक ग्राउंड है। इसमें ये कुछ लॉन है यहाँ पे, क्या कहाँ पे है बुढ़िया? ये बच्चा कोई बुढ़िया बता रहा, पता है ना कहाँ है ये? हाँ यही तो मैं देख रहा हूँ। चार बुढ़िया आए, चार बुढ़िया आए। हाँ, इनमें तो एक असली है। अच्छा, तीन असली है और चाकी बुढ़िया ये कहाँ है? ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कहाँ चाकी? बीचों बीच जाके देखेंगे तो साफ साफ दिख रही है, ये है बीचों बीच में। हाँ, ये वाली है, ये वाली। अच्छा, इधर साइड में चाकी है वो आटा बीचने वाली। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? टेकचंद। क्या बात, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दो में। शाबाश। तो सीन जो आपने यहाँ का पूरा देख लिया है, मैंने काउंट तो नहीं किए, वेदांत जी ने काउंट किए यहाँ पे, बहुत देर से काउंट कर। इसकी जो वास्तविकता है, हर बार काउंट करने पर अलग अलग आती है। जितनी बार आप काउंट करोगे इसकी वो काउंटिंग है, वो हर बार गिनती अलग आएगी। किसी समय 80 आएगी, 82 आएगी, 84 आएगी, 86 आएगी। तो आप देखते रहिए, अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर खुदा के देख सकते हैं।
कहाँ पांच पांडव कहाँ पे? तो ये छोटा बच्चा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ये माइक में बता। ये पांच पांडव नाम पे एक डिस्टर बैठा था, हम पे चार भाई बैठे थे, नकुल सहदेव अर्जुन। कौन सा? नाम पे पांच पांडव बैठे थे, हम पे डिस्टर वो बैठे था। नाम क्या है? कौन का? पांडवों का। डिस्टर डिस्टर युधिष्ठर और हां, और हम पे सैनिक बैठे थे। और पांच पांडव का नाम क्या है? नकुल सहदेव। नकुल सहदेव अर्जुन और भीम। भीम 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 नकुल सहदेव युधिष्ठर कहां पे बैठे थे? एक भाई बैठा, चार भाई बैठे थे, नकुल सहदेव बैठे थे। पांच पांडव बैठे थे, वहां पे चार भाई बैठे थे, नकुल सहदेव अर्जुन भीम। क्यों आए थे यहां पे वो? हैं यहां पे क्यों आए पांडव? बनाने के लिए आए थे। क्या? इसको चौस कम्मा को देखने के लिए। अच्छा, देखने के लिए आए थे। क्या तो सीन अभी कुछ ऐसा है, हमने यहाँ का वीडियो जो शूट कर लिया है, और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये जगह जो भरतपुर से कितना दूर है? भरतपुर से यह है 55 किलोमीटर। तो भरतपुर से 55 किलोमीटर है, और डीग से पड़ेगा करीब 24। तो डीग से जो है 24-25 पड़ेगा। अगर आप आना चाहते हैं भरतपुर से, तो भरतपुर से पड़ेगा ये 55 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो बस भी आती है यहाँ पर? बस भी। ट्रेन? ट्रेन भी नहीं, ट्रेन नहीं चलती। तो बस से आप आ सकते हैं भरतपुर से, 55 किलोमीटर है ये दूरी पर स्थित। तो आ सकते हैं और चौराज खम्मा देख सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं गिनने के लिए, लेकिन काउंटिंग जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, या तो 84 से ऊपर होती है या फिर 84 से कम होती है। इसकी जो स्कल्पचर वो है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सबसे विशेष है। एक अलग तरीके से इसको बनाया गया है, और ये रहस्य में ही है अभी तक, कितने आए कितने चले गए। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी वो है, पर काउंटिंग है, गिनती है, वो 84 आज तक नहीं बैठी है। तो अभी यहाँ पे जो सभी लोग बैठे हैं, सबने गिना है। तो ये भाई साहब जो दोबारा गिन के आए हैं, पिछली बार आपने गिना कितने बैठे? 86 बैठे। सबसे पहले 86 बैठे थे, और अभी दोबारा गिन के आए तो फिर 96 बैठे। 96 फिर 98 हो गया। अब तीन बार गिने? तीन चार बार गिने इन्होंने। तो 86 तो कभी 96 कभी 94। मैंने भी गिने इन्होंने भी गिने। तो ये बता रहे थे, ये यहाँ पे जो ये चौराहे खम्भा बने हैं, ये एक रात में बनाए हैं। तो ऐसा बताते हैं, जिंद जो होते हैं भूत जिंद, उन्होंने एक रात में बनाए हैं। तो एक रात में तो जिंद ही बना सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ का पूरा वीडियो शूट कर लिया, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नंदगांव। नंदगांव हमें फिल्म लोकेशन जो शूट करनी है, तो वो आप मुझे कमेंट कर नीचे बता सकते हैं नंदगांव में कौन सी मूवी बनी, अगर आपको अंदाज़ा है तो। और बाकी आप वीडियो देख लेना, एक दो दिन बाद वीडियो आ जाएगी नंदगांव की भी। तो यहाँ से निकलते नंदगांव, अभी बजे हैं सुबह के 9:15, और करीब 10 बजे तक हम नंदगांव पहुँच जाएंगे। तो अभी यहाँ से निकलते नंदगांव। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता। इन्होंने भाई काफ़ी मेहनत की है, वेदांत जी ने ट्राईपॉड लगा के वीडियो शूट किया है। तो इनके चैनल के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। ये वेदांत जी ने याद दिलाया मुझे, इन्होंने बताया मुझे, मैं बोला था इस वीडियो को समाप्त करते हैं, पीछे तो भूल दिया इन्होंने। जय हिंद जय भारत।